हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपके अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्विच बेस्ड आउटपुट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो क्वेश्चन वन है, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। तो फर्स्ट कोड है ये स्विच का एंड सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर थ्री क्वेश्चन के आंसर्स में आपको रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, और साथ में जैसे आपको पता ही है मैं ज़्यादातर वीडियोस में होमवर्क भी प्रोवाइड करता हूँ, तो इस वीडियो में भी आपको होमवर्क मिलने वाला है। तो ये होमवर्क क्वेश्चंस हैं स्विच के जो आपको होमवर्क में करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करके बता देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इट मीन्स यहाँ पर आपको थ्री क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं जो स्विच पर डिपेंडेंट है। स्विच को कैसे हम अलग अलग टाइप से यूज़ करते हैं पूरा आइडिया आपको मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन का ए पार्ट है, जिसमें अगर हम क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं तो फर्स्ट लाइन है इंट ए इज इक्वल टू टू। ए के अंदर क्या है? टू। एंड स्विच ए, ए के अंदर है टू। इट मींस कौन सा केस वैल्यू रन होगा? सीधा ये यहां से जंप करेगा केस टू पर। ओके, अगर ए में वन होगा तो वन पर जाएगा, ए में थ्री है तो थ्री पर जाएगा, लेकिन जस्ट नाउ ए के अंदर वैल्यू क्या है? टू। तो डायरेक्टली कौन सा स्विच केस परफॉर्म होगा? केस टू परफॉर्म होगा। यहाँ पर ए प्लस इज इक्वल टू टू है। अगर आप इसे ओपन करते हो, ए इज इक्वल टू ए प्लस टू, इसका फुल फॉर्म क्या है? ये। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? फोर, बिकॉज ए ऑलरेडी टू है, तो 2 प्लस 2 इज 4। लेकिन ब्रेक ना होने की वजह से केस 3 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। तो यहां पर a का वैल्यू 5 हो गया। ओके, पोस्ट ऑपरेटर है, तो अगर यहां पर कोई मैनिपुलेशन हो रहा है तो 4 यूज होगा, बट जैसे ही वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएगा तो 5 ही कंसिडर किया जाएगा। तो अगेन आप इसे ओपन कर सकते हो, जैसे मैंने ये ओपन किया था इसी टाइप से ये ओपन होगा, a इज इक्वल टू a इंटू थ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू a इंटू थ्री, और a में वैल्यू हम क्या कंसीडर करेंगे? अगेन मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं, यहां पोस्ट ऑपरेटर की वजह से 4 मत ले लेना, यहां पर हमें 5 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हम नेक्स्ट सिचुएशन में हैं। अगर हम यहीं पर कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो 4 लेंगे। ओके, ये कंफ्यूजन रहता है। तो 5 इंटू थ्री, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 15। और उसके बाद यहां पर मिल जाएगा ब्रेक, तो ये यहां से बाहर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 15। तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 15 आपका कंप्लीटली ये रिजल्ट आ गया है। ओके, a में 2 था, केस 2 चल गया, a प्लस इज इक्वल टू 2 हुआ, 4 हो गया, फिर ब्रेक ना होने की वजह से केस 3 भी रन हो गया, 5 हो गया, फिर यहाँ पर 5 इंटू 3 हो गया, ब्रेक मिलने की वजह से बाहर हो गया, तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 15 रिजल्ट आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्या है। अब देखो यहाँ पर तो केस 1 2 3 का मैंने आइडिया दे दिया, और अगर केसेस में ब्रेक नहीं है तो क्या होगा वो आइडिया दे दिया। यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ केयर से रिलेटेड, मतलब केसेस जो हैं ए बी सी डी के केसेस हैं, तो उनको हम किस टाइप से डील करेंगे वो समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर कैर एक्स इज इक्वल टू सी, तो एक्स के अंदर है सी, तो कौन सा केस परफॉर्म होगा? जल्दी से बताइए, सी वाला केस परफॉर्म होगा। ओके, अब क्या होगा? ए प्लस प्लस, अब यहाँ पर एनदर वेरिएबल में अपडेशन हो रहा है। यहाँ क्या था क्वेश्चन नंबर वन में? अब देखो क्वेश्चन नंबर वन मैंने इसीलिए इरेज नहीं किया है जिससे कि आप कंपेयर करते हुए चलोगे, यहाँ पर जो स्विच के अंदर था उसी में चेंजेस हो रहे थे, यहाँ पर अनदर वेरिएबल में चेंजेस हो रहे हैं, तो याद रखना है। तो यहाँ ए का वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगा 11, ब्रेक ना होने की वजह से ये स्टेटमेंट रन होगा जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पर 11 इंटू 3, तो यहाँ डायरेक्टली मैं कर देता हूँ 33। अभी मुझे ओपन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ओपन करके बताया ही था कि कैसे ओपन होता है। तो a इज इक्वल टू a इंटू 3 करोगे, a का वैल्यू 11 है, 11 इंटू 3 33 हो जाएगा। जल्दी जल्दी तो नहीं हुआ? ओके, हाँ तो आ गया आंसर, गुड। अब यहाँ पर ट्रिकी पॉइंट क्या है,
डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा या नहीं। ओके, बिकॉज डिफॉल्ट केस कब चलता है, जब कोई केस वैल्यू रन नहीं होता है। यहाँ तो केस वैल्यू हमारा रन हुआ, ओके, और ब्रेक ना होने की वजह से आपके केसेस रन भी हो जाते हैं। बट तो वही है, यहाँ पर दो सिचुएशंस में आप फंस सकते हो कि आप कौन सा प्रेफर करोगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, डिफॉल्ट से पहले अगर ब्रेक नहीं है तो डिफॉल्ट भी एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जाम्स के लिए याद रखिए। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पर जानबूझकर ब्रेक नहीं दिया है, जस्ट आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ओके, नहीं तो आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो, आपका यहाँ पर आंसर आएगा ए इज इक्वल टू, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, प्लस प्लस जब परफॉर्म होगा, ए में 33 है तो आंसर हो जाएगा 34। ओके, तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू 34 आंसर आ गया। ओके, तो यहाँ पर आपका एबीसीडी के केसेस के बारे में आपने समझा, साथ में डिफॉल्ट से पहले ब्रेक नहीं है तो वो एग्जीक्यूट होगा या नहीं, वो डाउट क्लियर हो गया। तो मेरे वीडियोस में ज़्यादातर मैं यही सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डाउट आपके क्लियर करूँ। ओके, अब क्वेश्चन 3 पर चलते हैं, मीन्स सी पर। नाउ क्वेश्चन सी में क्या करना है, यहाँ पर भी मैंने एक ट्रिकी पॉइंट दिया है, देखिए वो ट्रिकी पॉइंट क्या है। ए इज इक्वल टू 3 एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगा दिया स्विच के अंदर, यहाँ पर है पोस्ट ऑपरेटर। ओके, ऐसे ही मैंने आउटपुट में इन्हीं क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके आपको होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं। ओके, उन्हें जरूर कीजिएगा और मुझे व्हाट्सएप नंबर पर उनके आंसर्स सेंड कर सकते हो आप मुझे। ओके, तो जो भी उनके आंसर्स हैं मैं रिप्लाई भी कर दूंगा, आपने गलत किया या सही किया है। चलो पहले ये देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, तो क्या आना चाहिए। अब देखो ये पोस्ट है, पोस्ट की एक खासियत रहती है कि ये ओरिजिनल वैल्यू के साथ भी काम करता है, अपडेट के साथ भी काम करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3++, 3++ का मतलब है 3 के साथ काम करेगा, मतलब केस 3 रन होगा। ओके, अगर यहाँ प्लस प्लस 3 होता तो 4 केस रन होता, है ना। तो यहाँ पोस्ट है बट ये 4 हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जब ये यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा और माइनस माइनस ए रन होगा, तो ए का वैल्यू माइनस माइनस की वजह से एक कम हो जाएगा, यहाँ 4 हो गया था, अगेन वो 3 हो जाएगा। ओके, मींस यहाँ पर वो इंक्रीज हुआ और यहाँ पर डिक्रीज हो गया, तो ए की वैल्यू वही की वही रही। ओके, ब्रेक ना होने की वजह से अगेन ये चल जाएगा, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 × 3 9 हो जाएगा। A into is equal to 3 ऑलरेडी हम यहाँ सॉल्व कर चुके हैं। देन अगेन डिफॉल्ट से पहले ब्रेक नहीं है तो ये भी रन हो जाएगा, तो यहाँ पर A का वैल्यू क्या आ जाएगा, अभी आप बता सकते हो मुझे, 9 सोच रहे हो तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 10 आएगा, क्योंकि ये रन होगा ना, यहाँ पर A का वैल्यू क्या आ गया, 9। ओके, तो ये आप याद रखिए, साथ में होमवर्क क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मुझे जल्दी से जल्दी सेंड कीजिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप WhatsApp पर उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे सेंड कर सकते हो, उनमें एडिट करके मैं, हाँ आंसर मैं तभी बताऊंगा जब आप मुझे आंसर सेंड करोगे। ओके, ये हमेशा याद रखना, जो भी मैं होमवर्क क्वेश्चन दूंगा और अगर आप मुझसे आंसर्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तो पहले आपको आंसर निकालना होगा, देन मैं उनके रिप्लाई करके सेंड कर दूंगा कि उसमें आपने क्या गलत किया या फिर सभी आंसर सही हैं। अगर आपने सभी आंसर सही भी किए तो मैं अप्रिशिएट भी करूंगा। ओके, तो होमवर्क क्वेश्चंस पर आते हैं, तो दीज आर होमवर्क क्वेश्चन, इनमें जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था वही हैं, बस उनमें थोड़ा थोड़ा मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिए जिससे कि आपके और लॉजिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो जल्दी से इनके आंसर्स मुझे सेंड कीजिए और मैं रिप्लाई में इनके करेक्ट आंसर भी आपको सेंड कर दूंगा, हो सकता है आपके सभी आंसर सही हो जाएं जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है उसके अकॉर्डिंग, बट हर मोमेंट पर मैंने यहाँ पर डिफिकल्टी सेट की हुई है, याद रखिए हर पॉइंट को ध्यान से देखना है। ओके, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे आंसर्स सेंड कीजिए इनके। ओके, और मुझे आप बता सकते हो कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।